हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आशुतोष सुमित खान। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज ट्रेलर रिलीज हुआ है कार्तिक आर्यन की फिल्म शहजादा का। वो ट्रेलर मैंने देखा है तो मैं आपको बताऊंगा अपनी ओपिनियन कि वो ट्रेलर मुझे कैसा लगा है। जैसे कि आपको पता है कि फिल्म को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कर रहे हैं भूषण कुमार एंड किशन कुमार, और साथ साथ कार्तिक आर्यन भी इसके प्रोड्यूसर है। जी हाँ, और इस फिल्म के अंदर हमको नजर आते हैं कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, परेश रावल, रोनित रॉय एक अहम करेक्टर में देखते हुए नजर आते हैं, और कॉमेडी का तड़का लगाया है राजपाल यादव ने, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर करेक्टर देखते हुए नजर आते हैं। और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं वरुण धवन के भाई एंड दिविर धवन के बेटे यानी रोहित धवन। रोहित धवन का डायरेक्शन है। जैसे कि आपको पता है, रोहित धवन इससे पहले देसी बॉयज फिल्म बना चुके हैं एंड डिशू, दोनों फिल्म में बॉक्स ऑफिस पे सफल नहीं हुई थी, फ्लॉप हो गई थी। बहरहाल वो फिर से कमबैक कर रहे हैं अपनी इस फिल्म से जिसका नाम है शहजादा। इसका ट्रेलर देखने के बाद मैं कहूंगा बहुत ही घटिया ट्रेलर है यार, मुझे पसंद नहीं आया, 1% मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ओवर एक्टिंग अब कार्तिक आर्यन करने लगे हैं। जैसे उनको लगा कि हम जो करेंगे वो अच्छा हो जाए। टेलर जो हिसाब से दिखाया गया है कि इनको पता नहीं रहता कार्तिक आर्यन को कि वो एक शहजादे हैं, और वो वैसे एड़े वाली जिंदगी जीते रहते हैं जहां पे वो जबरदस्ती की कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं कृति सेनन के साथ। बहरहाल उनको जब पता चलता है कि वो मेन शहजादे हैं और उनका जो है उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजिडी हुई थी जो उनको इस लाइन पे ले आए हैं, अब उनको अपना महल अपना राजपाट फिर से चाहिए, यही फिल्म की कहानी है। और उसमें वो जबरदस्त तरीके से ओवर एक्टिंग करते हुए अक्षय कुमार की कॉपी करते हुए नजर आते हैं, और लास्ट मोमेंट पे तो वो जो कॉमेडी परेश रावल के साथ करते हैं चल निकल, वो देख के मुझे लगता है ये उनके अंदर वरुण धवन की ओवर एक्टिंग घुस गई है। मिला जुला के मैं कहूँ टेलर बहुत ही घटिया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। लोग कार्तिक आर्यन को बहुत जबरदस्त तरीके से पसंद करते हैं, उनको अच्छे लगते हैं, बट कार्तिक आर्यन की एक्टिंग मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, ये मेरी ओपिनियन है। इस फिल्म के अंदर विलेन का भी जो मेन दिखाया गया लास्ट में विलेन, वो विलेन कम कॉमेडियन ज्यादा लगता है, जिस हिसाब से वो डायरेक्ट डिलीवरी है ना उसकी, तो ऐसा लगता है वो कॉमेडी कर रहा है, लग ही नहीं रहा है वो विलेन है। और उसके बाद जो है उसमें दिखाते हैं मनीषा कोरैला का, कि मनीषा कोरैला जो है इन उसके ऊपर से वो जो जबरदस्त तरीके साउथ का तड़के तरीके से जो बोला जाता है अल्लू अर्जुन पे जो चीज सूट करती है स्टाइल से बोलने वाली, वो स्टाइल भी यहाँ पे कॉपी करते हुए साफ साफ नजर आते हैं कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन के पास खुद का कुछ नहीं है इस फिल्म के अंदर, वो जो है सबका कॉपी करा के मिला जुला कर उनको इस फिल्म में एक्टिंग करवाई गई है। आप वरुण धवन की एक्टिंग भी इसमें झलक देख सकते हैं, अक्षय कुमार का भी एटीट्यूड देख सकते हैं, एंड नर्मदादेन अपने पुष्पा राज यानी अल्लू अर्जुन का। तो ये सब चीजें देखने के बाद मुझे इनके ऊपर ये लग रहा है कि इनका जो पर्सनल एक्टिंग है ना वो कहीं से भी नजर नहीं आती है, ये सबकी कॉपी करते हुए नजर आ रहा है। जो कॉमेडी भी इसके अंदर रखी गई है फिल्म के अंदर वो भी बहुत ही घटिया रखी गई, मतलब जबरदस्ती की कॉमेडी है, ये कॉमेडी मुझे मजा नहीं आती यार। कॉमेडी वो होती थी जो पहले होती थी यार, मतलब वो लोग सीरियस भी कोई करेक्टर करते तो हंसी आती थी, लेकिन ये जो बोला जाता है जबरदस्ती चिल्ला के बोलना और स्टाइल से मुंह बना बना के बोलना, मतलब कि लोगों को हंसी आएगी, ये बिल्कुल खराब लगती है। उस पर से बोलते हैं आर आर आर, ये राजा मौली की गाड़ी तो नहीं, ये तो फालतू की कॉमेडी, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया यार। और मुझे पहले भी मैं जानता था ये फिल्म का जो ट्रेलर आएगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं मुझे पहले ही पता था, क्योंकि उसमें ओवर एक्टिंग आपको जबरदस्त देखने को मिलेगी, बट आजकल की पब्लिक को ये सब देखने को बड़ी मजा आती है, तो ये उनकी ओपिनियन है। मुझे ये ट्रेलर बिल्कुल ही घटिया लगा। बहरहाल, और इसमें मनीषा कोरैला काफी दिनों बाद हमको देखने को मिलेंगी बड़े पर्दे पे, ये भी एक अच्छी बात होगी कि बहुत दिनों से पर्दे से बड़े पर्दे से गायब हुई हैं, वापसी कर रही हैं इस फिल्म के साथ, जैसे तब्बू जो हर फिल्म में आती ही हमको नजर। तो ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा, और मैं चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा देना भाई, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल।